अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर अब्दुल रहमान बिन जिया एंड आई वेलकम यू इन दिस लाइव पॉडकास्ट ऑन माय फेसबुक पेज एंड ऑन विवर्सिटी फेसबुक प्रोफाइल एंड यूट्यूब चैनल। मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। ये एक लेसन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले स्क्रॉलर के अंदर आप लोगों को हमारी वेबसाइट का एड्रेस नज़र आ रहा होगा। आप लोगों को बताता चलूं कि ये ब्रॉडकास्ट जो है ये विवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए मुख्तलिफ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज लेके आया है। ये सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज मुख्तलिफ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिसिप्लिन के ऊपर मबनी है। आप इन तमाम ऑनलाइन कोर्सेज से इस्तफादा हासिल करके अपनी ज़िंदगी के अंदर स्किलफुल हो सकते हैं, हुनरमंदी की जानिब बढ़ सकते हैं और बाइज्जत रोज़गार कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप मुख्तलिफ तरह के टेक्निकल कोर्सेज, जैसे कि आप अगर इफ़ यू वांट टू हैव सम इंटरेस्ट इन वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो आप इन तमाम कोर्सेज को हासिल करके आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर स्किलफुल हो सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। आज के लेसन में, आज के एपिसोड में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम ईमेल राइटिंग के हवाले से, जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, तो इसमें ईच एंड एवरी थिंग दे आर नॉर्मली डन ऑनलाइन, यानी कि हम इस एक चीज़ को ऑनलाइन कर रहे होते हैं। तो वी टेक केयर ऑफ सो मैनी थिंग्स, यानी हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल कर रहे होते हैं। तो ईमेल राइटिंग जो है वो एक बहुत ही अहम एक कंपोनेंट है, एक बहुत ही अहम पहलू है। इस बात से मुराद ये हुई कि देखें, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले पीपल यूज टू राइट लेटर्स, हम लेटर्स लिखा करते थे और अभी भी लेटर लिखा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज ऐसी है जो कि इसमें ऐड हुई है, वो राइटिंग ईमेल्स हैं। पहले लेटर लिखा जाता था, फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए उसको सेंड किया जाता था, पोस्टमास्टर होता था जो कि उसको डिलीवर किया करता था। इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन, बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी सर्फ होती थी और उसके साथ साथ इतना ज़्यादा आप ये कह लीजिए कि अप टू डेट नहीं होता था, यानी कि हमको इतनी ज़्यादा अप टू डेटेड नॉलेज नहीं मिल रही होती थी। लेकिन जब हम आजकल के दौर के अंदर ईमेल लिखने की बात करते हैं, तो अब आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि विद इन सेकेंड्स हम लोगों को एक मैसेज जो है वो दूसरी जगह के ऊपर पहुंच जाता है, यानी अगले शख्स को हम किसी भी एक चीज के बारे में उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। सो ईमेल राइटिंग जो है वो बहुत सारे मुख्तलिफ हवालों से हमारी जिंदगी के अंदर अपना किरदार अदा कर रही होती है। हम लोग एकेडमिकली ईमेल्स लिखते हैं, उसके साथ साथ हम जॉब पर्पसेस के हवाले से हम लोग ईमेल्स लिख रहे होते हैं, जिसके अंदर हम जॉब एप्लीकेशन, यानी किसी जॉब में इंटरेस्ट के हवाले से, जिसके अंदर कवर लेटर हम डिज़ाइन करते हैं। हम अपने आने वाले लेसन्स के अंदर इन तमाम चीज़ों के हवाले से, यानी कि जो कि फंक्शनल इंग्लिश के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, हम बात करेंगे ताकि आप इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, लर्न करके बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म कर सको और उसके अंदर आप सक्सेसफुल हो सको। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम ईमेल राइटिंग के हवाले से, यानी फॉर्मल ईमेल राइटिंग के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी आज का जो टॉपिक है, वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। उसके साथ साथ वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जो कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ जुड़ते हैं, उनको ये बात बताता चलूँ कि ये तमाम लाइव ब्रॉडकास्ट को है ये viversity.org के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जो कि मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू राइट अ फॉर्मल ईमेल, यानी कि हम एक फॉर्मल ईमेल कैसे लिखते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, अमली जिंदगी की बात करते हैं, हम जो भी चीज लिख रहे होते हैं, बेशक वो एप्लीकेशन हो, लेटर हो, ईमेल हो, एसे हो, लेटर टू द एडिटर हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, हमारी लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल होती है।
आज हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मल ईमेल को बात करने जा रहे हैं कि कैसे लिखी जा रही है। आज का जो ऑब्जेक्टिव है, जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि एक ईमेल के कौन कौन से मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन के अंदर हमने बात की थी रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से, तो उसको मैंने ये कहा कि उसके अंदर भी बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। इसी तरीके से हम उन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यानी वो कौन सी जुबान हमको एक ईमेल में इस्तेमाल करनी चाहिए, हम उसको भी लर्न करेंगे। कंस्ट्रक्टिंग अ फॉर्मल ईमेल, और उसके साथ साथ हम आखिर में एक फॉर्मल ईमेल बनाएंगे भी, ताकि हम उस एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, उसको समझ पाए। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके जहन में आ रहा होगा कि ईमेल क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी ईमेल लिखना क्यों जरूरी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब पुश टेक्नोलॉजी। अब इस बात से मुराद ये हुई कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। अगर इमेजिन आप लोगों को खत लिखने का कहा जा रहा हो, आप सबसे पहले उसको पेपर के ऊपर उसको लिखेंगे, उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस के जरिए उसको सेंड करेंगे। उसमें टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, और उसके साथ साथ जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो हो सकता है इतनी अप टू डेट ना हो। लेकिन जब हम ईमेल की बात करते हैं, सिर्फ एक क्लिक से आप किसी एक पैगाम को किसी एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचा देते हैं। स्मार्ट एंड फ्री, यानी कि आपका कम टाइम इसमें खर्च होता है, यानी कम खर्च, बाला नशी, और फ्री, यानी कि आपको कोई ज्यादा पैसे इसमें खर्च नहीं करने पड़ रहे होते। एडिंग अटैचमेंट्स, अब बहुत सारी मुख्तलिफ जो अटैचमेंट्स हैं, यानी कि पीडीएफ फॉर्म के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो आप अगले शख्स तक पहुंचा देते हो। लेकिन जब आप पोस्ट के जरिए जब इन चीजों को भेज रहे हो, तो डेफिनेटली उसका एक हुजम होता है उन डॉक्यूमेंट्स का जो कि आप अगले शख्स तक भेज रहे होते हो। लेकिन जब आप ईमेल के जरिए उन चीजों को अटैच करके उनको सॉफ्ट फॉर्म के अंदर आप जब भेज रहे होते हैं, तो वो कन्वीनियंट होता है, आसान होता है। डॉक्यूमेंटेड, यानी उसका एक कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। इस बात से मुराद ये हुई कि आप जब ईमेल भेज रहे होते हैं, तो उस ईमेल की जो डेट है या उसके साथ साथ उसका कोई रेफरेंस नंबर, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो आपके इनबॉक्स के अंदर या आपके सेंट आइटम्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो ईमेल लिखना इस वजह से जरूरी है कि ये बहुत ज्यादा आसान है। हम बहुत सारे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स एक भेज सकते हैं, और उसके साथ साथ उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी हमारे लिए आसान होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक जो कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको ईमेल की इंपॉर्टेंस के हवाले से बताया है, आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल। स्ट्रक्चर से मुराद होती है साख्त या बनावट। एक ईमेल का क्या साख्त होनी चाहिए या उसकी क्या बनावट होनी चाहिए, और ये जो चार पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेने हैं, ताकि आप इन चार पॉइंट्स को बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि जब हम इन मुख्तलिफ पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन के अंदर रिपोर्ट राइटिंग के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स थे, आपने उन तमाम मुख्तलिफ पार्ट्स को भी जहन में रखना है। और उसके साथ साथ जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपने इन चार पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये हमारा मोड ऑफ लर्निंग स्क्रीन शेयरिंग के जरिए भी है, तो आपने उसके साथ साथ इन चीजों को अपने नोटबुक के ऊपर भी जरूर लिखना है, ताकि आप बाद में जब इन चीजों को दोहराओ तो आप बेहतर तरीके से इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सको। वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जो कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ जुड़ते हैं,
वो इन ब्रॉडकास्ट को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि उनको इन तमाम सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमास और इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के वाले से जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए, उनको भी रहनुमाई मिलती रहे। स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि चार इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी इसके चार पार्ट्स हैं। अब हम वन बाय वन इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूज द वर्ड डियर देन द लास्ट नेम ऑफ द पर्सन, यानी आपने किसी शख्स को डायरेक्टली उसके नाम से मुखातिब नहीं करना, आपने हमेशा डियर या रिस्पेक्टेड का वर्ड इस्तेमाल करना है। अगर वो आपसे एज में सीनियर है सो आप उसके लिए रिस्पेक्टेड का वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप डियर का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डियर बिलाल, डियर मरियम, डियर अब्दुल्ला। नंबर टू, इफ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, यूज मिस्टर फॉर मेल एंड मिस फॉर फीमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज के ऊपर नोट नोट पैड के ऊपर लिखना भी है। अगर आपको जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं, अगर आपको उसका नाम मालूम है और सिंगुलर मेल के लिए मिस्टर का वर्ड यूज करेंगे और फीमेल के लिए मिस, जैसे कि मिस्टर अब्दुल रहमान, मिस फातिमा। अगर आपको उस शख्स का नाम मालूम नहीं है तो आप डियर सर या डियर मैडम, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम का वर्ड यूज करें, या टू हूम इट मे कंसर्न। यानी अगर आपको ये नहीं पता कि आप जो है वो किसको लिख रहे हो, यानी आपको उसका नाम पता नहीं है लेकिन बस ये पता है कि आप उस एक मसले के बारे में, उस एक प्रॉब्लम के बारे में जिस शख्स को एड्रेस कर रहे हो वो उसी को लिखा जा रहा है, तो आपने रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम का वर्ड यूज करना है अगर आपको मालूम नहीं है कि जो रीडर है उसका नाम क्या है। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर की, बॉडी ऑफ द ईमेल की। स्टार्ट बाय सेइंग व्हाई यू आर राइटिंग दिस ईमेल, यानी आपने अपना ईमेल लिखने का जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहले बता देना है, और व्हाट यू आर रिस्पॉन्डिंग टू, या आप किस एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आपने इमीडिएटली जब आप इंट्रोडक्शन से आगे बढ़े, जब आप बॉडी ऑफ द ईमेल की बात कर रहे हैं, उसमें आप फौरन से पहले आप उस एक मसले के बारे में, उस एक परेशानी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जिसको बताना मकसूद है आप उसको स्टेट कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। रीजंस फॉर राइटिंग, आपके लिखने की वजह, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी जॉब के हवाले से किसी का जवाब दे रहे हैं, किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मालूमात की अगर आपको जरूरत है, किसी को मदद की हेल्प करते हैं, शिकायत के लिए किसी चीज के लिए अपोलोजाइज कर रहे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स आप किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह भिजवा रहे होते हैं, यानी किसी एक ईमेल से किसी दूसरे ईमेल तक सेंड कर रहे होते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी रीजन का पता होना चाहिए कि आप ईमेल क्यों सेंड कर रहे हैं, आपकी ईमेल सेंड करने की रीजन क्या है। ये सबसे पहली चीज है जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। आजकल के दौर के अंदर ईमेल को बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। हमने अपनी एक प्रीवियस एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हमने ऑनलाइन जॉब के हवाले से डिस्कस किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको यही चीज समझाई थी कि आजकल के दौर के अंदर ईमेल के जरिए हम बहुत ज्यादा
एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं आप, वेब ब्राउजिंग के जरिए आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने आने वाली एपिसोड्स में, आने वाले लेसन्स के अंदर इन तमाम पहलुओं के हवाले से बात करने जा रहा हूँ, जो कि आपके इन तमाम क्वेश्चंस का जिसके अंदर आंसर होगा, जिसमें पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स, हाउ टू स्टडी, इन तमाम मौजूदात के ऊपर मैं बात करूंगा, ताकि आपको इन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए मदद मिल सके और आप बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब हो सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग मुझे सुन पा रहे होंगे और किसी भी किस्म की कोई दिक्कत का सामना नहीं कर रहे होंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको उसके हवाले से बताया जाए। अब हम बात कर रहे हैं एंडिंग ऑफ एन ईमेल, यानी एक ईमेल की एंडिंग कैसी होनी चाहिए, यानी उसका इख्तिताम कैसे होना चाहिए। एट द एंड ऑफ योर ईमेल यू शुड प्रोवाइड अ थैंक यू और कॉल टू एक्शन। अब आपके ईमेल लिखने के ऊपर मकसद कर रहा है, मबनी कर रहा है कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हो। कुछ केसेस के अंदर आप किसी एक चीज के हवाले से, यानी कि उसकी कॉपरेशन के हवाले से आप उसका थैंक यू करते हैं, या किसी एक चीज के हवाले से, किसी एक अमल के हवाले से उसको उभार रहे होते हैं, यानी उसको कह रहे होते हैं कि उसको वो एक अमल करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए ऐसे सैंपल ईमेल्स भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। जैसा कि ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं, आपको पता है कि आपने नोटबुक के ऊपर लिखने भी हैं। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस विद, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू। प्लीज फील फ्री टू कॉल और ईमेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ दिस कुड बी टेकन केयर ऑफ प्रॉम्प्टली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप इन वर्ड्स का ईमेल की एंडिंग में, यानी उसके अख्तिताम में, उसके कंक्लूजन में, जब इन वर्ड्स का, इन स्टेटमेंट्स का आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप बेहतर तरीके से उस एक चीज को कह पाएंगे, यानी उसको कंक्लूड कर पाएंगे। प्रीवियस लेसन के अंदर मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी बहुत सारी ऐसी पेट स्टेटमेंट्स के बारे में बताया है, यानी जब आप वो पेट स्टेटमेंट्स अपनी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट की जो आउटलुक है वो तब्दील हो जाएगी। आपने उनको भी याद कर लेना है। इसी तरीके से ये स्टेटमेंट्स जो हैं, ये भी पैट हैं, जो कि आप ईमेल लिखने के अंदर या उसके साथ साथ रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी से इन जो स्टेटमेंट्स को, यानी पैट स्टेटमेंट्स को, जल्दी से अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोटबुक्स के ऊपर लिख लिया होगा। अब चलते हैं जी, सबसे पहले हम एक ईमेल की क्लोजिंग की जाने। ये तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि, अगर आपको याद हो कि हमने अपने प्रीवियस एपिसोड के अंदर जब हमने लेटर राइटिंग के हवाले से बात की थी, तो उनके अंदर भी ये तमाम पॉइंट्स मौजूद थे। जब हम एक फॉर्मल ईमेल की क्लोजिंग की बात करते हैं, तो एक नॉर्मल ईमेल की, एक फॉर्मल ईमेल की जो क्लोजिंग है, उसके अंदर थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स या सिंसियरली का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। यानी हम उसकी क्लोजिंग में इस किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप फॉर्मल ईमेल लिखें, तो
तो ये जो पेट आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, जो कि थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स और सिंसियरली हैं, आपने इनका इस्तेमाल करना है, इनको भी अपनी कॉपीज के ऊपर नोट डाउन कर लें। अब आप देख रहे हैं कि दिस इज दी सैंपल ईमेल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपको एक इमेज के जरिए आपको दिखाया जा रहा है कि एक ईमेल की जो आउटलुक है, यानी कि वो कैसा दिखता है, वो आपके सामने है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ। सबसे पहले आप देख रहे हैं जिस जगह के ऊपर मेरा माउस मूव कर रहा है, टू टू से मुराद होती है ये ईमेल जो है ये किस एक शख्स को लिखी जा रही है। उस एक शख्स का जो ईमेल एड्रेस है वो इस जगह के ऊपर आप लिखेंगे। उसके बाद कोई एक ऐसा शख्स जिसको आप इस ईमेल में शरीक बनाना चाहते हो, यानी उसको भी इस ईमेल का हिस्सा बनाना चाहते हो, ताकि वो भी इस बात के बारे में उसको भी मालूम हो, वो आप सीसी के अंदर आप उसको पुट करते हो। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से मुराद होती है मेन थीम या मेन आइडिया, यानी आप वो जो ईमेल है वो किस मकसद के हवाले से, यानी जो मकसद है वो आप सब्जेक्ट में लिखते हो। जैसे कि ये ईमेल जो है ये कांग्रेचुलेशंस, यानी कि किसी एक चीज की मुबारकबाद के हवाले से भेजी जा रही है, तो उसके बारे में सब्जेक्ट में बयान हुआ हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि सब्जेक्ट जो है इट शुड मिनिमम इट शुड हैव 3 वर्ड्स एंड मैक्सिमम 5 वर्ड्स, यानी इसको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, कम से कम अल्फाज का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाए। ईमेल के अंदर ये जो एक चीज है ये ऑलरेडी बिल्ट इन होती है। बिल्ट इन से मुराद है कि आप लोगों को ये जो जगह है इस जगह के ऊपर आप बस अपना पॉइंट लिख देते हो, यानी कि वो ऑलरेडी सेट होती है ये स्टेटमेंट्स। उसके बाद डियर ऑल, यानी सैल्यूटेशंस का इस्तेमाल हो रहा है, यानी ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है। आई एम सेंडिंग एवरीवन दिस ईमेल टू टेल देम दैट वी हैव सम हैप्पी न्यूज एंड दैट आवर कोलीग रोज एंड हर हस्बैंड डैनियल आर नाउ द प्राउड पेरेंट्स ऑफ अ बाउंसिंग बेबी बॉय जेम्स हु वाज बोर्न लास्ट नाइट at the Royal Hospital at 2 a.m. Jane Smith, Human Resources. यानि मुबारकबाद के लिए एक ईमेल लिखी जा रही है और उसमें तमाम जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है और कंग्रेचुलेट किया जा रहा है। आपने देखा कि इस एक ईमेल के अंदर वो तमाम मुख्तलिफ पॉइंट्स, वो तमाम मुख्तलिफ जो स्टेप्स थे वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब आपको इस एक इमेज के जरिए वो तमाम चीजें जो कि अभी मैंने आपको समझाई हैं आप देख पा रहे होंगे। जल्दी से जरा एक दफा इन तमाम चीजों को गो थ्रू कर लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से उन तमाम पॉइंट्स को जो कि एक ईमेल के लिए जरूरी होते हैं आप उनको अंडरस्टैंड कर पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि जब हम ईमेल लिख रहे हैं तो हमको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमने इज्तनाब करना है। सबसे पहले फॉर्मल ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करना है। फॉर्मल ईमेल एड्रेस से मुराद है एक ऐसा ईमेल एड्रेस जो कि आपके नाम की तर्जमानी करता हो, यानी कि वो आपकी शख्सियत और आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से हो।
कोशिश करें कि वो आपका नाम कंसिस्ट करता हो और उसके नाम के साथ साथ कोई एक अच्छा एट्रीब्यूट हो। सो फॉर्मल ईमेल एड्रेस का आपने इस्तेमाल करना है, कोई इनफॉर्मल ईमेल एड्रेस ना हो, क्योंकि वो आपके लिए गलत साबित होता है, बुरा साबित होता है। यूज एन इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट सेइंग व्हाट इज द ईमेल अबाउट। एक ऐसा सब्जेक्ट आपने चूज करना है जो कि मेन थीम और मेन आइडिया होता है, जिसके अंदर आप बता रहे होते हो कि ये ईमेल किसके बारे में, जैसे कि जॉब एप्लीकेशन और पुअर सर्विस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यूज पैराग्राफ्स टू मेक योर ईमेल क्लियर एंड इजी। जब आप अपने ईमेल के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ्स बनाएंगे तो उसकी वजह से पढ़ने वाले को आसानी होगी, वो बेहतर तरीके से फोकस कर पाएगा, कंसंट्रेट कर पाएगा, समझ पाएगा कि आप किस एक चीज के बारे में बात कर रहे हो। हम पैराग्राफ्स जो हैं वो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, लेटर राइटिंग के अंदर, एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, इन तमाम जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर इस एक चीज की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, यानी हम पैराग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी बात को बेहतर तरीके से एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचा सकें। किन चीजों का हमने ध्यान रखना है? हेलो का या हाय का इस्तेमाल नहीं करना सब्जेक्ट लाइन में। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ और सिर्फ आपने उस मेन थीम के बारे में, उस मेन आइडिया के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो ही लिखना है। डोंट टॉक अबाउट इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स, गैर जरूरी की बातें नहीं करनी जो कि उस टॉपिक के मुतालिक ना हो। आपने सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट है आपने उसके ऊपर फोकस करना है और वो ही बात करनी है जो कि बताना मकसूद है या जिसको बताना जरूरी है। डोंट फॉरगेट इन केस ऑफ एन अटैचमेंट टू मेंशन इन द बॉडी ऑफ द ईमेल दैट यू अटैच अ फाइल। और आपने ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी कि अगर आप जॉब एप्लीकेशन के हवाले से अगर आपकी रिज्यूमे यानी आपकी जो सीवी है वो किसी पीडीएफ फॉर्म में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्म में जिसको अटैच करना मकसूद है तो आपने मेंशन भी जरूर करना है बॉडी ऑफ द ईमेल में कि आप कोई फाइल जो है वो अटैच करने जा रहे हो। उसके साथ साथ अगर आप जॉब एप्लीकेशंस लिख रहे हो तो आपने पोलाइट वर्ड्स का यूज करना है, जैसे कि वुड और कुड। आपने हार्श वर्ड यानी कमांडिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। कमांडिंग वर्ड्स वो होते हैं जिसके जरिए आप किसी को कोई हुक्म दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो आप वुड और कुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि पोलाइट वर्ड्स हैं, यानी कि वो शाइस्ता वर्ड हैं। यस रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज की हमने एपिसोड में हमने राइटिंग अ फॉर्मल ईमेल को डिस्कस किया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दिस 21st सेंचुरी हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, हम ईमेल राइटिंग कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही होती है। हम किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हम ईमेल लिख रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है, कन्वीनियंट है। इससे पहले हम क्या करते थे, हम सबसे पहले मैं आपको वो पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ। उस प्रोसेस के अंदर क्या होता था कि हम सबसे पहले पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिखा करते थे, रिपोर्ट लिखा करते थे, उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए उसको भिजवाया करते थे, फिर उसके बाद वो अगले शख्स को मिलता था, वो उसका रिप्लाई करता था और काफ़ी दिन लग जाते थे जब तक हम तक कोई मालूमात पहुंचती थी या हमारे तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्फ होती थी, लेकिन अब क्या है, अब ईमेल के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स तक जो है वो उसको पहुंचा सकते हैं। हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्म में हम अटैच करके अगले शख्स तक पहुंचा देते हैं और उसको वो अ क्लिक ऑफ अ बटन वो मिल जाती हैं।
फ्री है, इजी है, कन्वीनियंट है, हर शख्स उसको इस्तेमाल कर सकता है। खास तौर के ऊपर वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि खास तौर के ऊपर जॉब सर्च के हवाले से उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दरकार है, मैं उन लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि वो ईमेल्स राइटिंग स्किल्स को होंक अप कर लें, क्योंकि जब आप ईमेल लिख रहे होते हैं खास तौर के ऊपर जॉब्स के हवाले से, जॉब की अप्लाई करने के हवाले से, तो आपके लिए इन तमाम चीजों का जानना, इन तमाम चीजों का लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस एक प्लेटफॉर्म के जरिए जो कि वीवर्सिटी क्या है, हम बहुत सारे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, हम बहुत सारे मुख्तलिफ कोर्सेज और डिप्लोमास के जरिए स्किलफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके, जो कि आपको स्कॉलर के अंदर जिसका लिंक नजर आ रहा है, www.vversity.org, आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए। हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको स्किलफुल बनाने के वाले से आपके लिए मददगार साबित होंगे। ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट है, ये फेसबुक और उसके साथ साथ यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी रेडली अवेलेबल होती हैं। आप इन लाइव ब्रॉडकास्ट में शिरकत कर सकते हैं। हमारे किसी भी लेसन के हवाले से, किसी भी कॉन्सेप्ट को ना समझने के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाए, आपको मुकम्मल एकेडमिक जो असिस्टेंस है वो आपको दी जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन जो कि हमने राइटिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट के वाले से डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एक रिपोर्ट के बहुत सारे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, यानी कि उसके अंदर हमने मुख्तलिफ पार्ट्स को किस किस्म की, उसमें एक लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए और उसके साथ साथ एक ईमेल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। कंस्ट्रक्ट करने से मुराद है कि उसको बनाना चाहिए। हमने वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं बड़ी डिटेल के अंदर गो थ्रू किए हैं, ताकि आप इफेक्टिव ईमेल लिख सको। जब आप एक इफेक्टिव ईमेल लिख सकोगे तो आप बेहतर तरीके से अपने पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकोगे। आज के लेसन को इस जगह के ऊपर इसको कंप्लीट करते हैं। प्रोफेसर अब्दुल रहमान बिन जिया को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।